हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे केला से ऐसी रेसिपी जिसके सामने पनीर की सब्जी भी फेल है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कच्चा केला ले लिया है। 5 पीस हमने केला ले लिया है। इस तरह से दोनों साइड से कट करके छुरी से इस तरह से हम छिलका हटा लेंगे। सारे केले को इसी तरह छीलकर छिलका हटा दें। तो मैंने छिलका हटा लिया है और धोकर साफ कर लिया है। एक मिक्सर जार ले लीजिए। इस तरह से रफली चॉप करके केले को हम डाल देंगे मिक्सर जार में इस तरह से। इसके बाद हम 2 हरी मिर्च ले लेंगे, इसे भी डाल देंगे कट करके। एक मीडियम साइज की प्याज ले लेंगे, इसे भी रफली चॉप करके डाल देंगे। और थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ सा पेस्ट बना लिए हैं। इस केले के पेस्ट में 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक, 1 चुटकी बेकिंग सोडा। और सभी को डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे चम्मच के सहायता से। इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम एक प्लेट ले लिए हैं, किनारे वाले प्लेट लीजिए। इसमें थोड़ा सा तेल से हमने ग्रीस कर दिया है और जो पेस्ट हमने रेडी किया था इसमें डाल देंगे। इस तरह से प्लेट में डालकर चारों तरफ फैला देंगे। चारों तरफ बढ़िया से फैला देंगे। इसके बाद थोड़ा सा इस तरह से टैप कर देंगे। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लिए हैं, इसमें छोटा सा कटोरी डालेंगे। इसके बाद हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 5 से 6 लहसुन ले लिए हैं, लहसुन का छिलका हमने उतार लिया है। 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 2 लौंग और 3 से 4 साबुत मिर्च ले लिया है हमने। और 1 तेज पत्ता को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। 7 से 8 काली मिर्च ले लेंगे, 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा इस तरह से कढ़ाही में भी पानी डाल देंगे। अब यहाँ पे हम 1 टमाटर ले लिए हैं, इस तरह से प्लस का निशान दे दिया है। प्याज में भी इसी तरह प्लस का निशान दे दिया है। 3 मीडियम साइज के हमने प्याज ले लिया है। केला का जो हमने बैटर पेस्ट प्लेट में निकाला था इसको इस तरह से अब हम डाल देंगे सावधानी से और लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकने तक पका लेंगे। बीच बीच में चेक कर लीजिए अगर आपको लगे कि पक गया है। देखिए फ्रेंड्स, सारे कुछ पक गया है। अब इसे इस कढ़ाई से अब हम बाहर निकालेंगे। सभी को अलग अलग निकालकर बढ़िया से ठंडा कर लेंगे। बढ़िया से जब ठंडा हो जाए टमाटर प्याज तो एक मिक्सर जार ले लेंगे और इस तरह से टमाटर प्याज डाल देंगे मिक्सर जार में। इसके बाद जो हमने गरम मसाला कटोरी में डाला था इसे भी साथ में डालकर ग्राइंड करेंगे। पानी के साथ ही डाल देंगे। अब बढ़िया से स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे की तैयारी कर लेते हैं। उसी पैन को हमने साफ कर लिया है, गैस पे हमने पैन डाल दिया है। पैन को बढ़िया से गर्म कर लेंगे और 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को भी बढ़िया से गर्म कर लेना है। तेल जब गर्म हो जाए इसके बाद हम मसाले डालेंगे। यहाँ पे आप गैस का फ्लेम लो ही रखें क्योंकि हम सूखा मसाला डाल रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाला है और 1/2 चम्मच हल्दी और प्याज टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था सबको डाल देंगे इस तरह से। जार को भी धोकर पानी ले लिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया हमने। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे।
लो फ्लेम पर इसी तरह चलाते हुए मसाले को थोड़ा देर भून लेंगे। इधर मसाला भून रहा है तब तक इधर हम केला का पेस्ट को भी देख लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इस तरह से अब हम पीसेज कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए, आपको जिस तरह के पीस रखना है छोटे बड़े साइज में अपने हिसाब से कट कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से कट हो रहा है, काफ़ी सॉफ्ट बनता है। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पनीर जैसे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट लग रहा है। हम आगे मसाला भी चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं मसाले भी लगभग भून ही चुका है। थोड़ा देर और हम भून लेंगे, एक मिनट तक। भूनने के बाद यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिए, ग्रेवी के हिसाब से पानी डालें। पानी डालकर मसाले के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और ग्रेवी में बढ़िया से उबाल आने देंगे। उबाल आते हैं यहाँ पे इस तरह से पीसेज हमने जो कट करके रखा था सभी को डाल देंगे और ढककर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो गया है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम धनिया पत्ता डाल देंगे। सब्जी हमारा बन के रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप बनाएंगे केला का सब्जी तो कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये सब्जी आपसे आपने केला से बनाया है। चलिए अब हम सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल कम मेहनत में ये रेसिपी आप बना पाएंगे, एकदम टेस्टी। एक बार जो खा लेगा वो बार बार बोलेगा आपको इसी तरह बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करें, आपको और आपको फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।